हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लव। मेरे सारे बिहार के नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं भावी, फाइनली आज आप लोगों के लिए एक बड़ी राहत सरकार की तरफ से मिल गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इंटरवीन के बाद हाई कोर्ट में जो याचिका जो आपकी थी, उस याचिका के संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन के बाद से सरकार जो है अब बैकफुट पे आई है और अपनी कमेटी, जिस कमेटी को मैंने आपको दिखाया था, जिस कमेटी ने ये फैसला दिया था कि नियोजित शिक्षक जो हैं अगर वो 5 अटेम्प्ट में पास नहीं होते हैं तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए क्योंकि उनकी एलिजिबिलिटी चैलेंजेबल है, उस पे बैक स्टेप लेते हुए आपको मैंने बताया था। अगर आपको याद है, देखिए मेरे एक मेरा नेचर है कि मैं कभी बाकियों के जैसे गोल गोल घुमाता नहीं हूं, मैं हमेशा आपको वही बातें बताऊंगा जो फैक्ट है। मैंने आपको डे वन में बताया था कि सरकार को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा था कि आप रिटर्न में दीजिए कि आप नियोजित शिक्षकों की नौकरी नहीं निकालेंगे, उनको नौकरी से नहीं निकालेंगे अगर वो परीक्षा पास नहीं करते हैं, तो हम आपकी इस कमेटी के बाद से आपकी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। और ये बात मैंने आपको बताई थी, आप सबको अगर याद है तो याद है। अब इसमें एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि फाइनली सरकार ने, आपको पता है कि कल 13 तारीख को इसी आपकी नियोजित शिक्षकों के केस की सुनवाई ऑनरेबल हाई कोर्ट में है और कोर्ट ने इन्हें कहा था कि आप जो है हमको एफिडेविट जमा करेंगे, काउंटर एफिडेविट देंगे, शपथ पत्र देंगे इस बात का कि नियोजित शिक्षकों के साथ आप भविष्य में क्या करने वाले हैं, उनकी नौकरी जाएगी या नहीं जाएगी। इस पे सरकार बैकफुट पे आई है और सरकार ने जो है अपनी तरफ से शपथ पत्र दायर किया है। इसमें तमाम चीजें हैं, इसीलिए कहता हूं चैनल पे नए या पुराने साथी हैं सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। बात सच की और आपकी, यही मेरा लक्ष्य है। और इसमें तमाम चीजें क्या क्या डेवलपमेंट है, चलिए देखते हैं वन बाई वन करके। देखिए तीन मुद्दे हैं। पहले तो 13 तारीख की जो कल सुनवाई है, इसके लिए समझिए कि अब इसमें सिर्फ तीन, मतलब एक लड़ाई नहीं थी कि सिर्फ आपकी नौकरी ना जाए, एक लड़ाई और है कि आपका एग्जाम देना क्या प्रासंगिक है। क्या 20 साल नौकरी करने के बाद, 10 साल, 15 साल, 5 साल नौकरी करने के बाद आपका एग्जाम देना बनता है? अगर सरकार को राज्य कर्मी का दर्जा देना है तो उसके लिए एग्जाम क्या अनिवार्य है? ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर कल सुनवाई जाएगी। अभी सरकार ने जो एफिडेविट दिया है उसको मैं आपको दिखा देता हूं, एक स्क्रीन पे आप पहले देख लीजिए, बाकी बातें भी मैं आपको आगे बताता हूं क्या क्या मुद्दे हैं कल के लिए और क्या चीजें होने वाली हैं। पहले आप ये आर्टिकल भास्कर का भी देख सकते हैं, हिंदुस्तान का भी देख सकते हैं, तमाम न्यूज, असल में वो एफिडेविट हमने देख लिया है लेकिन चूंकि एज एन कोर्ट ऑफिसर हम लोग आपको नहीं दिखा सकते हैं जब तक कोर्ट के टेबल पर वो चीज़ क्लियर ना हो जाए, क्योंकि सरकार का थोड़ी सी गोपनीयता का आधार रहता है, आप शिक्षक समझ सकते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सरकार ने देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि क्षमता परीक्षा फेल नियोजित शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी, हाई कोर्ट की याचिका पर सरकार का शपथ पत्र। शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट में प्रति शपथ पत्र दायर किया जो कि हाई कोर्ट के, ये मत समझिएगा कि सरकार ने ये आपके लिए भला काम किया, नहीं, ये आपकी लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई है जो ऑनरेबल कोर्ट की लड़ाई है। सरकार ने कोर्ट के कहने पर ये दिया है, ना कि सरकार आपके लिए बहुत अच्छा करेगी, नहीं नहीं, हम आपके लिए बहुत अच्छे हैं। ये आप लोगों की ताकत है कि आपने कोर्ट में इस बात को उठाया, तो इसके वजह से ये आपका जो है शपथ पत्र दे चुकी है। अब कल सुनवाई में इसका क्या क्या होगा वो चीजें अब यहां से समझाते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। एक तो आपको जो मैंने बताया कि क्या आपका एग्जाम वैध बनता है, क्या कोई, चाहे अगर के पाठक सर ही हैं, बकायदा रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूं, 20 साल 25 साल नौकरी के बाद क्या आज उन्हें यूपीएससी के एग्जाम में फिर से बैठाकर उनकी एलिजिबिलिटी चेक करनी जाए की जाएगी और क्या वो पास हो जाएंगे, क्या सवाल है ना। तो ऐसे ही जब उनके लिए ये नियम नहीं है तो आपके लिए नियम कहां से आया। और इसके साथ ही और तीन जो महत्वपूर्ण ग्राउंड है उसके ऊपर बात करेंगे। इस बीच में देखिए आप लोगों के लिए एक और बात मैं आपको बताऊं कि प्रधानाध्यापक की भर्ती आपके पास आई हुई है, प्रधानाध्यापक की, प्रधान शिक्षक की, तो आप लोग उसकी भी तैयारी करके उसमें जा सकते हैं, 40,000 से ज्यादा पद है उसके लिए, मैं आपको ये देख लीजिए वीडियो, फिर हम आगे बात करते हैं। बिहार प्रधानाध्यापक की 40,000 पदों से भी ज्यादा पे भर्ती आई है, तब से तैयारी को लेकर के बहुत सारे साथी परेशान हैं। तो आप लोग के लिए चक्षु प्रकाशन जो है बिहार प्रधानाध्यापक शिक्षक के लिए बेस्ट स्टडी गाइड लेकर आया है जो बिल्कुल आपके नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पे है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका सामान्य अध्ययन हो या फिर डेलेड विषय हो, टॉपिक वाइज नवीन पाठ्यक्रम के हिसाब से भाग एक में जैसे सामान्य ज्ञान, गणित, सामान्य मानसिक क्षमता, आपके डेलेड के विषय जो होते हैं वो इकाई एक, इकाई दो करके नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर दिया गया है। आप यहाँ पर चैप्टर वाइज भी देख सकते हैं, आपको जो है भारतीय संविधान और तमाम आपके जो ऐसे विषय हैं सब कुछ मिलता है। और साथ ही इसके साथ 5,000 से ज़्यादा के लिए प्रश्नों के MCQ भी आपको मिल रहे हैं जिसके जरिए आप अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ये दो पुस्तकों की लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सबको ऑल द बेस्ट। चलिए तो एक मुद्दा तो मैंने आपको बताया कि उनकी नौकरी जो जानी है वो अब नहीं जाएगी क्योंकि उन्होंने एफिडेविट दिया है। कोर्ट कल इसके ऊपर क्या कमेंट करता है, कल सुनवाई के बाद अगर केस ऑन द टेबल होता है तब इसके ऊपर बात करूंगा, सब्सक्राइब करके जुड़िए, कल मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा।
दूसरा मुद्दा यह है कि आपको राज्य कर्मी का अगर दर्जा देना है तो इतने दिन नौकरी के बाद तो लोगों का ऐसे भी प्रमोशन हो जाता है, 20 साल 15 साल 10 साल से जो पढ़ा रहे उसका एग्जाम आप किस बात का ले रहे हैं, तो आप उसे वापस कीजिए, आप ऐसे राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। और साथ ही ये जो ट्रांसफर की बात आई है, आज के डेट में देखिए ट्रांसफर को लेकर कई सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 15 साल 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, वो एक जगह पे सेटल हो गए हैं, परिवार है, घर है, फैमिली है, उम्र हो गई है, वैसे में उनको कहीं कहीं स्थानांतरण करना क्या ये ठीक है? किसी का लोन है, किसी का घर है, किसी ने अपना घर बनवा लिया है कि रूम का भाड़ा ना देना पड़े, ये तमाम राइट टू लाइफ है, आपकी आजीविका का अधिकार है जिसके ऊपर आप इसको लेकर के हम लोग जा रहे हैं कि ये जो है ऐच्छिक ट्रांसफर होना ही चाहिए, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बहुत दिनों से सर्विस में हैं। और सरकार अगर पहले इस तरीके से व्यवस्था नहीं बनाई थी, सरकार जब पहले इस तरीके से ट्रांसफर दे रही थी, तो सडन अगर नियमों में बदलाव किया जाएगा, इसकी वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसकी वजह से शिक्षकों को कितनी कठिनाई होगी, पुरुषों के साथ महिलाओं के लिए भी कितनी ज्यादा कठिनाई होगी, तो ये एक ग्राउंड है। और साथ ही ये जो नियोजित शिक्षक का एग्जाम हो गया है इसे रद्द करने की भी मांग है कि इसकी वैधता को खत्म कर दिया जाए, पूरा का पूरा पेपर निरस्त करके सबको समुचित राज्य कर्म का दर्जा, उनके पीसीएस रिकॉर्ड को देखते हुए, उनके शिक्षा एक्सपीरियंस को देखते हुए उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं वो हम लोग आप लोगों के लिए रख रहे हैं। फिलहाल जो है ये एक अच्छी बात आप लोगों के लिए है कि सरकार ने उस कमेटी, जो आपकी कमेटी जिसने ये कहा था कि 3 अटैम्प्ट के बाद और फिर 5 अटैम्प्ट किया गया और उसके बाद से आपको शिक्षक बनने का मौका नहीं दिया जाएगा, आपको शिक्षक आपकी नौकरी से निकाल दिया जाएगा, वो अब सरकार नहीं कर सकती है, क्योंकि सरकार अगर अब वो करेगी तो ऐसे में सरकार को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट में जो है अपनी याचिका लगा दी है, उसमें हलफनामा दे दिया है। अब जो है आपको इंतजार करना है, चैनल पे जुड़े रहिए, कल जैसे ही सुनवाई होगी तो शाम को किसी वक्त आकर के मैं आपको बता दूंगा कि कोर्ट में आखिरकार क्या क्या चीजें हुई हैं और आपके पक्ष में क्या क्या चीजें गई हैं। चलिए, चेहरे पे मुस्कान रखिए साहब, अगर एग्जाम पास नहीं भी होंगे तो नौकरी नहीं जाएगी, इतनी लड़ाई आप लोगों ने जीत ली है, चाहे हम सब ने मिलकर जीत ली है, आप सबका साथ ऐसे ही रहेगा तो ये नौबत ही नहीं आती, जो आप लोग 70% लोग अगर फॉर्म नहीं भर रहे होते तो ये नौबत ही नहीं आती, क्योंकि आपका राइट टू लाइफ और आपका राइट टू जॉब दोनों सिक्योर था, आप चाहते तो लड़ सकते थे। फेयर इनफ, देखते हैं कल जो भी सुनवाई में होगा मैं आप लोगों को आकर के बता दूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।